हेलो बच्चों, कल हमने एक कहानी सुनी थी और आज फिर एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। हरियाली और रास्ता की कहानी है। कहानी का शीर्षक है मोनू, बहन और सीपियाँ। बड़ी अच्छी सी कहानी है। एक छोटे से लड़के मोनू की कहानी है जिसमें उसने अपने सुलभ और सरलता से एक दुकानदार को प्रभावित कर दिया, अपनी बातों से प्रभावित कर दिया। तो सुनो कहानी मोनू की। कि एक छोटा लड़का था, 6 साल का बच्चा, मोनू नाम था जिसका, और उसके पिताजी का देहांत हो गया। जब उसके पिताजी का देहांत हुआ तो 6 साल का वो था, एक उसकी छोटी बहन थी। अब पिताजी का देहांत हो गया तो उनके घर के खर्चे में भी बड़ी परेशानी होने लगी, और उसकी जो माँ थी वो बड़ी मुश्किल से उनके घर की गुजर बसर करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मोनू और उसकी बहन बाजार में गए। जब वो बाजार में गए तो अचानक उन्होंने देखा एक खिलौने की दुकान उसकी बहन को दिखाई दी। अब जब खिलौने की दुकान उसकी बहन को दिखाई दी मोनू की, तो उसने कहा भैया मैं तो, वो देखने लगी उसको थोड़ी देर खड़े होकर के दुकान को। तो मोनू ने पूछा कि तुझे कुछ चाहिए? कि हाँ मुझे कुछ चाहिए उसमें से। कि चल अच्छा अंदर चलते हैं। वो दुकान के अंदर चले गए। अब वहाँ उसे बहन को क्या दिखाई दी? एक गुड़िया दिखाई दी। तो उसने कहा मुझे तो भैया ये वाली गुड़िया चाहिए। तो मोनू ने दुकानदार से कहा कि भाई ये वाली गुड़िया दिखा दो। दुकानदार ने गुड़िया निकाल के रख दी उनके सामने। अब मोनू ने जब देखा कि बहन, उसकी बहन इतनी खुश कभी नहीं हुई थी जितनी उस गुड़िया को देख करके हो गई। अब जब बहन इतनी खुश थी तो उसका मन था कि मैं बहन को ये गुड़िया ज़रूर दिला दूँ। तो उसने दुकानदार से पूछा कि ये गुड़िया कितने की है? दुकानदार ने कहा कि ये गुड़िया 50 रुपए की है। अब 50 रुपए का नाम सुन के वो थोड़ा सा परेशान तो हो गया कि पता नहीं मुझे गुड़िया मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी मन की इच्छा थी कि मैं अपनी बहन को गुड़िया जरूर दिला दूँ, कि जो खुशी मैंने आज इसके चेहरे पे देखी वो खुशी ना खत्म हो। तो दुकानदार समझ गया इस बात को, वो भी समझ गया दुकानदार भी कि हो सकता है ये पैसे ना दे पाए। तो दुकानदार के नौकर ने बता दिया भैया कि गुड़िया 50 रुपए की है। अब उसने क्या करा मोनू ने, कि उसने अपनी जेब में से कुछ चीज़ निकाली। अब जेब में से उसने निकाली कुछ सीपियाँ, क्योंकि वो समुंदर के आसपास में खेलने जाते थे और वहाँ से क्या कहते हैं सीपियाँ उठा कर ले आते थे। तो वो उसकी जेब में वो सीपियाँ थी। उसने वो सीपियाँ निकाली और दुकानदार के सामने उसकी टेबल पर रख दी। अब दुकानदार भी उनको देख रहा था कि इस बच्चे को जरूर दिलानी है ऐसी गुड़िया। तो दुकानदार ने क्या करा कि वो सीपियाँ ऐसे करके एक एक करके गिनने लगा, और जितनी उसकी सीपियाँ थी उनमें से उसने 4 सीपियाँ निकाल ली और बाकी की सीपियाँ मोनू को वापस कर दी कि ये वाली तुम्हारी गुड़िया इन सीपियों में आ जाएगी, बाकी की तुम अपने पास रख लो। वो दोनों बड़े, मोनू तो बहुत खुश हो गया कि भैया बहुत अच्छा रहा, मुझे बहन को गुड़िया दिलानी थी और मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई, मैंने जो है इन सीपियों के बदले में गुड़िया ले ली। अब वो दुकानदार का जो नौकर था वो मालिक की तरफ देख रहा था, कहा तो उसने कुछ नहीं। वो उन दुकानदार ने उनसे सीपीओ के बदले में गुड़िया दी और वो लेकर के गुड़िया को बच्चे चले गए। बहुत खुश हो रहे थे वो। अब दुकानदार का नौकर जो है वो बोला कि मालिक ये गुड़िया तो बड़ी महंगी थी, आपने इन सीपीओ के बदले में ये गुड़िया दे दी। तो दुकानदार बोला कि जितनी कीमत की ये गुड़िया है उससे ज़्यादा कीमत तो आज मैंने इनके चेहरे पर देखी है, और मुझे आज जो खुशी इन्हें देख करके हुई है मुझे वही खुशी चाहिए थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी की खुशी जो है वो ख़त्म हो। छोटे बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं, उन्हें क्या पता। तो दुकानदार ने उसे वो गुड़िया दे दी, चले गए। उसने नौकर को बता दी। दुकानदार बोला कि हमारे पास केवल ये सीपियाँ हैं, पर उन बच्चों के पास बेहद ही कीमती चीज़ है, और वो कीमती चीज़ है क्या? उनका हमारे ऊपर विश्वास कि जब ये लड़का बड़ा होगा तो उसे आज की वाली जो घटना है कि उसने सीपियों के बदले में क्या दिला दी, गुड़िया दिला दी अपनी बहन को, और जो खुशी मिली वो खुशी आज बराबर जो उसे खुशी मिली है वो खुशी फिर नहीं मिलती। अगर मैं उसको आज मना कर देता इस चीज़ को तो क्या मिलता? उसके पास दुनिया का एक निगेटिव पॉइंट पहुंचता। और आज जो ये सीपी के बदले में गुड़िया दे करके मैंने क्या करा है,
कि समाज का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करा है, एक अच्छा नजरिया, सकारात्मक नजरिया प्रस्तुत करा है, वो चीज मिली है आज। और ये बच्चा जरूर मुझे भविष्य में याद करेगा कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, दुनिया में ऐसा नहीं है कि बुरे ही लोग हैं, दुनिया ये दुनिया अच्छे लोगों से भी भरी हुई है। क्योंकि समाज में हर चीज को क्या है कि हर चीज को पैसे से नहीं तोला जा सकता, कुछ जीवन के और भी मूल्य होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। मैंने आज इनको पॉजिटिव पॉइंट दिखाया है दुनिया का। धन्यवाद।